पश्चिमी यूपी में आज बीजेपी के दिग्गज करेंगे प्रचार, नड्डा, शाह और सीएम योगी घर घर देंगे दस्तक। अमित शाह देवबंद और मुजफ्फरनगर में प्रचार करेंगे, घर घर करेंगे संपर्क। सहारनपुर में भी शाह का प्रचार कार्यक्रम, तीन जिले में करेंगे कवर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बरेली, इटावा और औरैया में करेंगे प्रचार, कई जगह घर घर संपर्क। इटावा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे नड्डा, देंगे जीत का मंत्र। सीएम योगी आज मुरादनगर और बागपत में करेंगे संपर्क, जमकर करेंगे प्रचार। मुरादनगर में योगी का घर घर संपर्क का भी कार्यक्रम, गिनाएंगे सरकार के काम। डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज बिजनौर में होंगे, पार्टी का करेंगे प्रचार। 2017 में पश्चिमी यूपी में बीजेपी को मिली थी 109 सीटें, इस बार प्रदर्शन दोहराने की चुनौती। आज गाजियाबाद में होंगे जयंत और अखिलेश करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज नामांकन दाखिल करेंगे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, अमृतसर से पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। सचिन पायलट ने किया दावा, पंजाब में सीएम फेस का जल्द ऐलान। भगवंत मान आज भरेंगे पर्चा, पंजाब में आपका सीएम चेहरा है मान, धूरी से है दावेदार। गोवा में आज टीएमसी और एमजीपी जारी करेंगे मैनिफेस्टो, बीजेपी के बागी उत्पल करेंगे घर घर प्रचार। मणिपुर में जल्द प्रचार के लिए जाएंगे प्रियंका और राहुल गांधी, कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण ने किया ऐलान। पश्चिमी यूपी में एक साथ मीडिया के सामने आया अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, किसानों को बीजेपी से किया सावधान। मुजफ्फरनगर में अखिलेश ने किसानों को दिलाया भरोसा, बोले कोई भी काला कानून लागू नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव ने किसानों के लिए किए ढेरों वादे, बोले 15 दिनों में मिलेगा गन्ने का भुगतान, 300 यूनिट बिजली फ्री। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने जमकर किया बीजेपी पर वार, बोले पुराने मुद्दे उठा रही सत्तारूढ़ पार्टी। अखिलेश ने आरएलडी के मुखिया को बीजेपी के न्योता का दिया जवाब, बोले आप समझ सकते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी की क्या हालत हो गई। आजादी पार्टी देखिए उनके हालात कैसे हैं, हालात कैसे उनके, सोचो न्योता देना पड़ रहा है। जयंत चौधरी ने अमित शाह के गलत घर चुनने वाले बयान पर किया पलटवार, आज तक से खास बातचीत में बोले आ रही है साजिश की बू। उन्होंने बात तो मीठी करी है, लेकिन उसके पीछे जो उनका एक डिजाइन है, जो इंटेंट है, उसमें एक राजनीतिक षड्यंत्र मुझे लग रहा है, एक जो बंटवारा। मुजफ्फरनगर में 3.5 घंटे की देरी से शुरू हुआ एसपी और आरएलडी का कार्यक्रम, अखिलेश ने लगाया हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने देने का आरोप। दिल्ली से उड़ना था अखिलेश का हेलीकॉप्टर, उड़ान से पहले ट्वीट किया, बिना कारण बताया रोका गया मेरा चॉपर। दिल्ली में हेलीकॉप्टर रोके जाने के अखिलेश के आरोप को सरकार ने किया खारिज, कहा ईंधन भराने के बाद मिली इजाजत, सूत्रों की खबर। लगातार तेज हो रही है पश्चिमी यूपी की जंग, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शाजापुर में लोगों से मांगे वोट, विरोधियों को जमकर घेरा। उस तरीके के कैंडिडेट देने पड़ रहे हैं जिन जो जो सजा याफ्ता है, जो केस भुगत रहे हैं, जिन जो ऊपर हर तरीके के केस है। शाजापुर में बीजेपी के अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी किया संवाद, चुनाव को लेकर दिए टिप्स। शाजापुर के बाद बरेली पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, घर घर जाकर किया चुनाव प्रचार। पश्चिमी यूपी में सीएम योगी का चुनाव प्रचार, मेरठ में घर घर जाकर लोगों से मांगा वोट, समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला। उनके लिए विकास का मतलब या तो चाचा भतीजे के विकास से था, या बुआ भतीजे के विकास से था, या भाई बहन के विकास से था। मेरठ में लाला लाजपत राय अस्पताल पहुंचे सीएम योगी, सुविधाओं का लिया जायजा। मेरठ के बाद हस्तिनापुर पहुंचे सीएम योगी, प्रभावी मतदाता संवाद में लिया हिस्सा। हस्तिनापुर के बाद गढ़मुक्तेश्वर में भी सीएम योगी का कार्यक्रम, मतदाताओं से किया संवाद।
यूपी में बरेली पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रचार से पहले की पूजा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश परिवार ट्वीट में लिखा, अखिलेश को ना कोरोना टीका पसंद और ना ही माथे पर टीका। यूपी बीजेपी ने साझा किया नया प्रचार वीडियो, जो 15 साल में नहीं हुआ उसे 5 साल में करने का दावा, लिखा आएगी बीजेपी ही। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, न्यू इंडिया और मोदी मॉडल में देश का गरीब और हुआ गरीब, हम दो हमारे दो की बड़ी संपत्ति, बीजेपी की संपत्ति में 550 फीसदी का इजाफा। दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने पणजी से नामांकन के बाद तेज किया प्रचार अभियान, निर्दलीय मैदान में उतरे हैं उत्पल। एंड बजट से पहले सरकार का बड़ा फैसला, डॉक्टर वी अनंता नागेश्वर मुख्य आर्थिक सलाहकार तैनात। बजट सत्र से पहले सरकार करेगी सर्वदलीय बैठक, 31 जनवरी को 3 बजे होगी बैठक। बजट सत्र में होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण, बहस का जवाब 7 और 8 फरवरी को देंगे। कांग्रेस के संसदीय स्ट्रैटेजी ग्रुप की हुई बैठक, बजट सत्र की रणनीति पर हुआ मंथन। संसद के सत्र से पहले स्पीकर ओम बिरला पहुंचे संसद, सत्र की तैयारी का लेकर और सुविधाओं का लिया जायजा। बिहार में सरकार का अजीब फरमान, शराब की तस्करी रोके शिक्षक। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र, शिक्षकों ने किया विरोध, सियासत भी शुरू। बदले वो शराब की बोतलें खोजेंगे। अब शिमला में बर्फबारी से दिक्कतें बढ़ी, बर्फ हटाने का काम जारी। श्रीलंका ने भारतीय मछुआरों की नाव को किया नीला, मछुआरों की संस्था का रामेश्वरम में प्रदर्शन। यूपी में बीजेपी ने जारी की 91 उम्मीदवारों की नई सूची, इलाहाबाद पश्चिम से मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को दिया टिकट। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर ट्वीट, वार लिखा, वो जिन्ना के उपासक है, हम सरदार पटेल के पुजारी। यूपी के सीतापुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राधेश्याम जायसवाल का दिखा जुदा अंदाज, नामांकन के लिए रिक्शे से पहुंचे। कानपुर देहात में बीजेपी विधायक का कटा टिकट, तो समर्थकों ने किया हंगामा। देवबंद में समाजवादी पार्टी में सुलग रही अंदरूनी सियासत, दो दो उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। बीजेपी ने फिर किया जाटों के समर्थन का दावा, संजीव बालियान बोले, उन्हें पता है योगी बनेंगे मुख्यमंत्री। लोक दल के से भी पूछ लीजिए जिसमें भाई अखिलेश यादव स्वीकार है नहीं, तो उन्होंने कहेगा नहीं भाई वो स्वीकार नहीं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अमित शाह ने किया चुनाव प्रचार, घर घर जाकर बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। वादा है कि जो काम 70 साल में नहीं हुए हैं वो हम 5 साल में पूरा कर सकते हैं। अमित शाह ने प्रचार अभियान से पहले रुद्रनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर है मंदिर। राजस्थान में रीट परीक्षा का पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डीपी जारोली बर्खास्त। स्ट्रांग रूम से लीक हुआ था रीट परीक्षा का पेपर, पेपर लीक से जुड़े सभी कर्मचारी निलंबित। राजस्थान में कोरोना केस में कमी नहीं, लेकिन गहलोत सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने का किया फैसला। नागपुर में दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से टकराकर पलटी कार में लगी आग, एक शख्स की मौत। पानीपत में विजिलेंस टीम ने जिला बागवानी अधिकारी को 30,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, हाल ही में किए गए थे सम्मानित। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार गंभीर, 5 राज्यों के हालात पर आज होगा मंथन। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया करेंगे बैठक, बिहार, ओडिशा, झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ में हालात पर होगी बात। भारत बायोटेक को नाक के जरिए ली जाने वाली कोरोना बूस्टर डोज के ट्रायल की इजाजत, ड्रग कंट्रोलर से मिली हरी झंडी। एक और कोरोना वेरिएंट नियोकोव मिला, चमगादड़ों में मिला है नया वेरिएंट। दिल्ली में घटे कोरोना केस, 4,000 नए केस लेकिन 25 मौत से बढ़ी फिक्र। देश में कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी, पिछले 24 घंटे में सामने आए 2,35,532 केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत का आंकड़ा डराने वाला, 871 लोगों की मौत। केरल में कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में सामने आए 54,537 नए केस। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में सामने आए 31,000 से ज्यादा नए कोरोना केस।
तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 26,533 नए कोरोना केस सामने आए। मुंबई में भी घटे केस, 24 घंटे में सिर्फ 1300 नए केस। महाराष्ट्र में करीब 25,000 नए केस, 103 की मौत। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12,561 नए कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में चेन्नई में 5,000 से ज्यादा कोरोना केस पड़े। दुनिया में कोरोना केस की कुल तादाद 36 करोड़ के पार, अब तक 56 लाख मौत। आज होगी मीटिंग टू चीफ सेरेमनी, 1,000 देसी ड्रोन बांधेंगे समा। राष्ट्रपति लेंगे मीटिंग रिट्रीट में हिस्सा, पहली बार इस सेरेमनी में हो रहा है ड्रोन शो। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री भी समारोह में करेंगे शिरकत, सेना के बैंड सुनाएंगे शानदार धुने। सेना के साथ वायुसेना और अर्धसैनिक बलों के बैंड भी पेश करेंगे कार्यक्रम। मीटिंग रिट्रीट की रिहर्सल के दौरान भी पेश किए गए थे शानदार कार्यक्रम, ड्रोन ने पेश किए थे शानदार फॉर्मेशन। आसाम के गोलपाड़ा में तालाब में फंसे 6 हाथी वन महकमे ने बचाई जान। गुरुग्राम में खुला देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, 100 चार्जिंग पॉइंट स्टेशन लगे, एक दिन में चार्ज हो पाएंगी 500 गाड़ियां। रामपुर में बर्फबारी से बंद तीनों नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बहाल, वाहनों की आवाजाही शुरू होने से राहत। पुणे में कोरोना के कहर कुछ कम, फिर से शुरू हुआ रैम्बो सर्कस। पुलवामा के रहमू में कैमरे में कैद तेंदुआ, इलाके के लोगों में दहशत। जालौर में कार से 55 लाख रुपए बरामद, आयकर महकमे को की गई खबर। यूपी में काबा के जवाब में मेरठ की महिला कवि ने गाया यूपी में बाबा, चुनावी गीत के जरिए बीजेपी का विरोधियों पर वार। तो देखिए, सभी ये चाहते हैं कि उनका विकास हो, नारियां ये चाहती हैं कि उनको सुरक्षा मिले। मैं खुद नारी हूं, मैं जानती हूं इस बात को। शराबबंदी और नशाबंदी पर लोकगीत से प्रसिद्ध लोक गायिका इंदु देवी के घर गए बिहार के मंत्री शाहनवाज, शराबबंदी की कोशिश की तारीफ की। आईएनएस पुखरी को दीव प्रशासन को सौंपा गया, रिटायर हुए जहाज को म्यूजियम में किया जाएगा तब्दील। भिंड में नाव डूबी, 2 लोग लापता। भिंड में मजारा खाकर लौटते वक्त सिंध नदी में हुआ हादसा, कई लोगों को फौरन किया गया रेस्क्यू। बिहार के गया में एक खेत में गिरा सेना का माइक्रो लाइट विमान, तकनीकी खराबी से हादसा। गांव वालों की अनूठी तस्वीर वायरल, खेत में गिरे माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट को कंधों पर उठाया। आईपीएल क्रिकेटर का आरोप, दिल्ली पुलिस के अफसर ने की मारपीट, पुलिस का आरोप से इनकार।